दोस्तों आपने टीवी में फिल्म्स में देखा होगा कि जज जब किसी मुजरिम को अगर फांसी की सजा सुनाता है तो वो फांसी की सजा सुनाने के बाद अपने पेन को या अपनी कलम को वहीं की वहीं तोड़ दिया करता है अक्सर, और ऐसा असल जिंदगी में भी होता है। और आपने क्या कभी ये बात सोचा है कि वो जो जज है जो किसी को फांसी की सजा सुनाता है वो उस वक्त अपने पेन को क्यों तोड़ दिया करता है सजा सुनाने के बाद? दरअसल फांसी की सजा देश में सबसे बड़ी सजा होती है, और अगर किसी व्यक्ति ने कोई गुनाह किया, कोई जुर्म किया है और उस व्यक्ति के द्वारा किया गया जुर्म या अपराध जघन्यतम अपराध की श्रेणी में आता हो तो उस व्यक्ति को ही फांसी की सजा सुनाई जाती है। इसीलिए ऐसे किसी भी मामले में जज सजा सुनाने के बाद अपने पेन की नीब तोड़ देता है ताकि वो फिर कभी दोबारा उस पेन का इस्तेमाल करके किसी और व्यक्ति को फांसी की सजा ना सुना सके। और जो समाज में इस तरह के जघन्यतम अपराध बढ़ते जा रहे हैं वो वहीं बढ़ना बंद हो जाएं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता, अपराध बढ़ रहे हैं। वैसे दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी कि जज अपने पेन की निब क्यों तोड़ देता है, इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलना, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।